जय हिंद दोस्तों, भारत इंडिया टाइम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आपका दोस्त विनी चौहान आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के फिर से हाजिर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज फिर से वापस आ चुका है और तालिबान को वापस लाने में पाकिस्तान ने हर संभव कोशिश की है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिर में वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज वापस ले ही आए। पर पाकिस्तान की हुक्मरानों की, पाकिस्तान की सरकार की, सेना की, आईएसआई की याददाश्त थोड़ी सी कम है, क्योंकि इंडिया से तो इन्हें हमेशा बदला लेना होता है। तो बदला लेने की भावना के दौरान ये लोग कुछ बातें भूल जाते हैं हमेशा, तो वो ही मैं इन्हें कुछ याद दिलाना चाहूंगा। नंबर एक, अब्दुल्ला गनी ब्रदर। नंबर दो, मौलवी फकीर मोहम्मद। नंबर तीन, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। नंबर चार, तहरीके लबैक। नंबर पांच, इस्लामाबाद लाल मस्जिद का वाकया जो 2007 में हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान में और भी कई प्रकार के तटपूंजिये हैं जो तालिबान का अफगानिस्तान के अंदर वापस आने पे जलसा मना रहे हैं। तो मना ले, जलसा मना ले, जितना हो सके उतने अच्छे से मना ले, क्योंकि ये जलसा थोड़े ही दिनों के अंदर मातम में बदलने वाला है। और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना को ये जलसा कितना भारी पड़ने वाला है वो मैं उन्हें कुछ याद दिलाना चाहूंगा। पहला नाम मैंने लिया था अब्दुल्ला गनी ब्रदर का, शायद आपने उसको धोखे से 9 साल अपने यहाँ जेल में रखा था। तो वो अफगानिस्तान में जब एक ऊंचे ओहदे के ऊपर बैठेगा तो आपको शांति से जीने देगा। दूसरी चीज, ये दो नाम एक साथ हैं या एक दूजे के वास्ते हैं? तहरीके तालिबान पाकिस्तान और मौलवी फकीर मोहम्मद, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये मैं भी अच्छे से जानता हूँ, हर भारतीय अच्छे से जानता है और पाकिस्तान के हुक्मरान भी अच्छे से जानते हैं। इसके बाद क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक इस्लामिक सरकार आई है तो तहरीके लबैक कहां से और किसके लिए पीछे रह जाएगी? जब आईएसआई और पाकिस्तानी सेना इनकी बात नहीं मानेगी तो क्या होने वाला है? सिर्फ दो वाकिए, एक स्वात घाटी का वाकिया और एक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के ऑपरेशन साइलेंस वाला वाकया पाकिस्तान के अंदर दोहराया जाएगा। अब्दुल्ला गनी ब्रदर के साथ जो धोखा आईएसआई ने किया था, आने वाले 2 से 3 हद 6 महीने के अंदर वो अपना बदला पाकिस्तान से लेके रहेगा। तहरीके लबैक, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और मौलवी फकीर मोहम्मद, जिसको कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने रिहा कर दिया, और उस जैसे कई मोस्ट वांटेड जो पाकिस्तान की लिस्ट में हैं, उन सभी को तालिबान ने रिहा कर दिया। वो सभी तकरीबन 8,000 लोग हैं जो पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में है, और उन मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लियर मेंशन है कि वो अपने साथ असला बारूद सब कुछ लेकर के आ रहे हैं। और अगर ना भी लाए तो जो लोग अपने घर में असला बारूद बनाने वाले हैं उनको असला बारूद की कमी थोड़ी है। पाकिस्तान के अंदर तहरीके लबैक, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, मौलवी फकीर मोहम्मद जैसे अनेक लोग हैं, अनेक लोग जो पाकिस्तान के अंदर शरिया कानून चाहते हैं। जो लोग शरिया कानून चाहते हैं, तालिबान आने से उनकी जड़ों को और मजबूती पाकिस्तान की सरकार ने खुद दे दी है। और पाकिस्तान का द ग्रेट इस्लामिक बॉम्ब यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब आने वाले कुछ समय के अंदर वो तहरीके तालिबान के हाथों में ना हुआ तो बतौर भारतीय नागरिक मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि ये मैं भी अच्छे से जानता हूँ, आप भी अच्छे से जानते हैं बतौर पाकिस्तानी नागरिक और पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। आप बतौर पाकिस्तानी हुक्मरान तहरीके तालिबान को रोक नहीं सकते, आप तहरीके लबैक को नहीं रोक सकते और मौलवी फकीर मोहम्मद जैसे अनेक भरे हुए तोप के गोलों को आप नहीं रोक सकते। पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की आईएसआई अगर इनके खिलाफ कुछ भी करने का सोचेगी तो होना क्या है आप अच्छे से जानते हैं। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद का वाकया और स्वात घाटी का वाकया या जो पाकिस्तान के अंदर मासूम 150 बच्चे मारे गए थे वो ही होना है।
दूसरों के लिए आपने खड्डा खोदा तो उस खड्डे में आप गिर चुके हैं। ये सब के सब मिलकर के पाकिस्तान की चटनी अगले आने वाले 6 महीने के अंदर बनाएंगे, और बिना बनाए पाकिस्तान की चटनी ये पाकिस्तान को छोड़ने वालों में से नहीं है। अभी एक वाकया, आज ही पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के ऊपर तालिबान के जितने भी लड़ाके थे उनके द्वारा पाकिस्तानी फौज का मजाक उड़ाया गया, और उन्होंने बहुत साफ सुथरे शब्दों में पाकिस्तानी फौज को चेतावनी दी। अफगानिस्तान के ऊपर तो हम काबिज हो चुके हैं, अब आप अपना सोचिए जनाब। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब का कंट्रोल बटन अगर तहरीके लबैक के मुखिया के हाथों में ना हो या तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुखिया के हाथों में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रही बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, जो काम अशरफ गनी ने किया, जो काम असीम बाजवा ने किया, वही काम आपको एक दिन प्रधानमंत्री इमरान खान करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई देश छोड़ के भागना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की मरहूम पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो देश छोड़ के भागी थी, नवाज शरीफ 2 बार देश छोड़ के भाग चुके हैं, मुशर्रफ वो भी देश से बाहर ही हैं, और ये सब भागते हैं, और वो ही काम इमरान खान करेंगे। खैर ये चीज अलग है कि अशरफ गनी तो अपने साथ एक हेलीकॉप्टर भर के नोट ले गए थे, ये क्या लेके जाएंगे, कटोरे भर के? और किसके पास जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? गनी को तो चलो ओमान में या सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में कहीं ना कहीं शरण मिल जाएगी, उसको अमरीका से भी शरण मिल जाएगी, या किसी यूरोपियन देश में, कजाकिस्तान तजाकिस्तान, किसी न किसी देश में तो शरण आराम से मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास तो पैसा ही बहुत है। चाहे हाँ वो पैसा उसने धोखाधड़ी करके अफगानिस्तान के माध्यम के नाम से उसने अमेरिका से ठगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी से ठगा, वो एक अलग बात है, पर आपको कौन रखेगा जनाब इमरान खान साहब? क्योंकि आप तो अपने साथ एक हेलीकॉप्टर भर के लोहे के कटोरे ले जाने के लायक भी नहीं है। कहीं किसी दिन ये ना हो कि हम इमरान खान साहब आपको ये करते हुए ना देखें कि आप अपनी शरीके हयात बीबी बुशरा का भुर्का पहन करके, हिजाब पहन करके, आप पाकिस्तान से रातों रात भागने के लिए कश्मीर के अंदर की तरफ आना चाहें। आइए जल्दी आइए, आपका स्वागत कर रहे हैं वहां पे बीएसएफ वाले, वो ना पता है ना क्या है फिर आपके साथ? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो भी बिना पासपोर्ट वीजा के कश्मीर में एंट्री लेने की कोशिश करता है LOC से पार, उसका हाल ठा बीएसएफ ये करती है, क्योंकि बाजवा तो बेचारा भाग जाएगा बाहर, उसकी इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी अमेरिका में है, यूरोप में है, तो वहीं जाए। दोस्तों इस सारे घटनाक्रम से एक अच्छी चीज हमें समझ में आती है कि कभी किसी के लिए खड्डा नहीं खोदना चाहिए, और अगर खड्डा खोदें तो एटलीस्ट अपने पूरे होशो हवास में रह करके खोदें, कि ये ना हो कि नशेड़ियों की तरह आप खड्डा खोदें और उस खड्डे में पहले आप अपने आप को रख करके फिर खड्डा खोदना ना शुरू कर दें जैसे कि नशेड़ी करते हैं। नशेड़ी गंजेड़ी यानी कि ISI पाकिस्तानी सेना, या अपना क्या कहते हैं इमरान खान, कुछ यही तो करते हैं ये लोग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।